अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मेरी वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 हॉरर मूवीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया की 10 डरावनी या खौफनाक मूवियों का। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर आती है IT मूवी। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 8 सितंबर 2017 है। ये कनाडा में रिलीज हुई और इसके डायरेक्टर एंड्रेस मस्चाइटी हैं। इस फिल्म के एक्टर को बेस्ट विलन अवार्ड और इस मूवी को बेस्ट हॉरर मूवी टीवी अवार्ड भी मिला है। ये फिल्म अमेरिका की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर डैन लिन और रॉय ली हैं। इस फिल्म की कास्ट में जाइडेन लाइबर हर और बिल स्कार्सगार्ड जैसे फेमस और अच्छे एक्टर्स शामिल हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर और डरावनी मूवी है। इस फिल्म का बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर है। ये फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में है और इसकी प्रोड्यूसर कंट्री USA है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ फियर मूवी है। इसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पर आती है इंसीडियस चैप्टर 3। फिल्म के डायरेक्टर लाई वैनल है और इसके प्रोड्यूसर जेम्स वान है। इसके कास्ट में स्टीफानी स्कॉट, डर्मट मुलरोनी, अंगस सैमसन, लिन शाए और लाई वैनल जैसे अच्छे और फेमस एक्टर्स शामिल हैं। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 5 जून 2015 है। इस फिल्म का बजट 11 मिलियन डॉलर है और ये फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और एंटरटेनिंग मूवी है। इसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पर आती है साइनिस्टर मूवी। ये 2012 की सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इस फिल्म के डायरेक्टर स्कॉट डायरेक्शन है और इसके राइटर सी रॉबर्ट कारगिल हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम जैसन ब्लम है। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 11 मार्च 2012 है। इस फिल्म की कास्ट में इथेन हॉक, जूलियट रेलांस, फ्रेड थॉम्पसन, जेम्स रैनसन, क्लेयर फॉले, माइकल हॉल और डी अडारियो जैसे फेमस और अच्छे एक्टर्स शामिल हैं। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन डॉलर है। फिल्म 3 कंट्रीज़ की को प्रोडक्शन है जिनमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ड्रावनी मूवी है जो कि देखने वाले के दिल में खौफ पैदा कर देती है। इसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पर आती है हेलोवीन मूवी। फिल्म का डायरेक्टर जॉन कारपेंटर हैं और इसके राइटर डेबरा हिल और जोर कैनपर्टर हैं और इसके प्रोड्यूसर डेबरा हिल हैं और इसकी स्टारिंग कास्ट में डोनाल्ड प्लीजेंस, जेमी ली कर्टस, पीजे सोल्स, एनसी लूमिस जैसे फेमस और अच्छे एक्टर्स शामिल हैं। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 25 अक्टूबर 1978 थी। इस फिल्म की कंट्री का नाम USA है। इस फिल्म का बजट 3 लाख डॉलर है और इस फिल्म की लैंग्वेज इंग्लिश है। यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ड्रावनी और एंटरटेनिंग मूवी है। इस फिल्म की 96% रेटिंग है जो कि हेलोवीन की सबसे ज़्यादा ड्रावनी और बेस्ट मूवी है। इसके बाद हमारे पास 6वें नंबर पर आती है द रिंग मूवी। 2002 की साइकोलॉजिकल सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है USA की। फिल्म के डायरेक्टर गोर वर्बिंसकी है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर लॉरी मैकडोनाल्ड है। इस फिल्म की कास्ट में नाओमी वाट्स, मार्टिन हेंडरसन और ब्रियान कॉक्स जैसे अच्छे एक्टर्स शामिल हैं। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 18 अक्टूबर 2002 है। इस फिल्म का बजट 48 मिलियन डॉलर है। ये एक हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉरर मूवी है।
ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक मूवी है। इसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पर आती है द टेक्सास चेनसा। इस फिल्म के डायरेक्टर टॉम हूपर है और इसके राइटर किम हैंकल है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम टॉम हूपर ही है। इस फिल्म की स्टारिंग कास्ट में मैरिलिन बर्न्स, पॉल ए पार्टिन, एडविन नील, जिम साइडो और गुनर हैंसन जैसे अच्छे एक्टर्स शामिल हैं। फिल्म की रिलीजिंग डेट 11 अक्टूबर 1974 है। ये फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में है और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री से है। इस फिल्म का बजट 80,000 से 140,000 डॉलर है। ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक भी है। इसकी ग्रॉसिंग 30 मिलियन डॉलर है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड मानी जाती है। इसके बाद हमारे पास आती है शाइनिंग मूवी, जो कि लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर है। फिल्म के डायरेक्टर का नाम स्टैनली कुब्रिक है और स्टैनली कुब्रिक ही इसके प्रोड्यूसर भी हैं। इस फिल्म की स्टारिंग कास्ट में जैक निकोलसन, चैली डुअल, स्कैटमैन क्रॉदर्स और डैनी लियोड जैसे अच्छे और बेहतर एक्टर शामिल हैं। 23 मई 1980 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और 2 अक्टूबर 1980 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और ये दो कंट्रीज की को प्रोडक्शन है और इस फिल्म का बजट 19 मिलियन डॉलर है। ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ड्रावनी है। इसके बाद लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पर आती है द कंजरिंग मूवी। ये एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम जेम्स वान और इसके राइटर चैड हाइज और कैरी डब्ल्यू हाइज है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम पीटर सफरन और रॉब कैवन है। इस फिल्म की कास्ट में वीरा फर्मिगा, पैट्रिक विल्सन, जॉन लिविंगस्टोन और लिली टेलर जैसे अच्छे एक्टर शामिल हैं। फिल्म 19 जुलाई 2013 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। इस फिल्म की लैंग्वेज इंग्लिश और कंट्री यूएसए है और इस फिल्म का बजट 10 मिलियन डॉलर है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है हैरी डिटेरी मूवी। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर एरी एस्टर हैं। इसके प्रोड्यूसर्स में एल्विन फ्रिक, लार्स कनुडसन, बडी पैट्रिक शामिल हैं। ये फिल्म 8 जून 2018 को यूएसए में रिलीज हुई और जनवरी 21 2018 को सनडांस में रिलीज हुई। इस फिल्म की लैंग्वेज इंग्लिश और कंट्री यूएसए है और इस फिल्म का बजट 10 मिलियन यूएस डॉलर है। ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और ड्रामी और खौफनाक मूवी है। इस फिल्म की ग्रॉसिंग 82 मिलियन डॉलर है। इसको हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म कहा जाता है अब तक की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ये लिस्ट में दूसरे नंबर पर आई। इसके बाद हमारे पास लिस्ट की पहली फिल्म आती है जिसका नाम है द एग्जोरसिस्ट। ये एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इस फिल्म के डायरेक्टर विलियम फ्राइडकिन है। इसका स्क्रीन प्ले विलियम पीटर ब्लैटी ने किया जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म की कास्ट के स्टार्स का नाम एलन ब्रिस्टिन, स्वान शैडो, ली जे को, किटी विन, जैक मैकगोरान, एसन मिलर और लिंडा ब्लेयर जैसे अच्छे और फेमस एक्टर्स शामिल हैं। फिल्म की रिलीजिंग डेट 26 दिसंबर 1973 है। फिल्म की लैंग्वेज इंग्लिश और कंट्री यूएसए है और इस फिल्म का बजट 12 मिलियन यूएस डॉलर है। इस फिल्म की ग्रॉस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जो कि 428 मिलियन डॉलर है, इसलिए इसे बेस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग रेटेड आर रेटेड मूवी का फर्स्ट अवार्ड मिला। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आपको कौन से टॉपिक पर टॉप 10 लिस्ट वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़।